आज ना मैं ऐसे ही उदास बैठी हुई थी, रील और शॉर्ट्स देख रही थी। शॉर्ट्स देखते देखते उसमें एक मिठाई की रेसिपी आई और मेरा मन मचल उठा मीठा खाने के लिए। मुझे मीठा तो खाना था पर अनहेल्दी मैदे का और चीनी का कुछ नहीं खाना था। फिर मुझे आइडिया आ गया, सोचा क्यों ना रेसिपी भी शूट कर लो। इस रेसिपी के लिए हम मैदा और चीनी बिल्कुल भी नहीं यूज करेंगे। मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है और महीन वाली जो मैदे वाली छन्नी होती है वो ले ली है। उससे मैंने गेहूं के आटे को छान लिया है। मीन्स हमें महीन वाले आटे की जरूरत है। घर में रखे हुए सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से ये रेसिपी रेडी हो जाती है। सबसे पहले एक कटोरी में 2 चम्मच गेहूं का आटा ले लेंगे और अब इसमें डालना है 1.5 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर मैं यहाँ पर इस कंपनी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, पर डेरी वाइटनर नहीं यूज़ करना है, मिल्क पाउडर ही यूज़ करना है। इसमें ही मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक कर रख देंगे। क्योंकि इसमें डाला है मिल्क पाउडर इसलिए ढक कर रखिएगा, इसमें हवा ना लगे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ छोटे छोटे चाय के पेपर कप। इसके बदले आप छोटी छोटी कटोरियाँ भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें घी लगा लेंगे, पेपर कप के अंदर गार्निशिंग कर देंगे। मैं यहाँ पर लगा रही हूँ बादाम, पिस्ता और पम्पकिन सीड्स और साथ ही थोड़ी सी खसखस। इनमें से जो भी आपके पास है आप गार्निश कर सकते हैं और अगर नहीं है अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी हेल्दी लग रही है या फिर पसंद आ रही है, प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे ये बताइएगा आप लोग ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। एक पैन में 2 टेबलस्पून घी या फिर बटर डाल लेना है। इस रेसिपी में तेल नहीं यूज़ करना है, घी या फिर बटर। आज के बाद मैं कोशिश करूंगी जितनी भी स्वीट रेसिपीज हैं उन्हें मैं चीनी के बदले गुड़ से बनाऊं और मैदे के बदले उसे भी मैं गेहूं के आटे से बनाने की कोशिश करूं, या फिर रागी का आटा या फिर कोई भी हेल्दी आटा उससे ही बनाने की कोशिश करूं। मैदा कम से कम यूज करूंगी। ये मैंने बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का घोल लिया है जिसमें कि रेती या फिर कंकड़ नहीं होता है, वो वाला ही यूज़ करना है। अगर आपके पास गुड़ पाउडर है तो बहुत ही अच्छा है। मेरे पास गुड़ पाउडर नहीं है इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो इसे हम नाप लेंगे। ये मैं 1/2 कप गुड़ ले रही हूँ। अगर आपके पास गुड़ पाउडर है तब भी आपको 1/2 कप ही गुड़ पाउडर लेना है। अगर आप चम्मच से गुड़ पाउडर को नाप रहे हैं, जिस चम्मच से हमने गेहूं का आटा और मिल्क पाउडर लिया है, तो इस चम्मच से आपको 8 चम्मच गुड़ पाउडर लेना है। इसे घी में डाल देंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे। फ्लेम को लो रखेंगे, धीरे धीरे घी के साथ गुड़ को मेल्ट करना है और गुड़ का कलर हमें चेंज करना है, मीन्स गुड़ को कैरामलाइज करना है। वैसे ये रेसिपी मीन्स सोहन हलवा मैदे और चीनी के साथ बनता है या फिर गेहूं का अंगूरी आटा और चीनी के साथ बनता है। क्योंकि अंगूरी आटा सभी के पास नहीं होता है इसलिए आप नॉर्मल गेहूं के आटे से भी इसे बना सकते हैं। गुड़ को कैरामलाइज करते समय इसमें पानी नहीं डालना है, घी और गुड़ दोनों को मिलाकर ही कैरामलाइज करना है। जब गुड़ में ढेर सारे बबल्स आने लगे और इसका कलर इस तरह का हो जाए, फ्लेम बंद कर देना है। गैस से इसे उतार कर नीचे रख दीजिए और रेडी किया हुआ मिल्क पाउडर और आटा इसमें डाल दीजिए। ये इतना गर्म है कि धीरे धीरे 1 से 1.5 मिनट में ये इसके साथ ही कुक हो जाएगा। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और कुक भी हो गया है। कंसिस्टेंसी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब इस तरह की हो जाए इसे पेपर कप में डाल लेंगे। किसी एक चम्मच से सेम क्वांटिटी में सभी कप में डाल देना है। कैरामलाइज गुड़ की चाशनी और आटे को बहुत ही फास्ट फास्ट मिक्स करना है, मीन्स जल्दी जल्दी करना है। अगर आपने इसमें थोड़ा भी ज़्यादा टाइम लगाया तो गुड़ सेट होना शुरू हो जाएगा और ऊपर से प्लेन करने की प्रोसेस को भी थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा। सभी को मैंने ऊपर से प्लेन कर दिया है और अब इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। ये अच्छे से सेट हो गया है, रूम टेम्परेचर पर आ गया है। आप इसे इस तरह से कट करके भी निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट पलट कर निकालिए, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा क्योंकि हमने इसे घी से ग्रीस किया था। अगर आप इसे स्टील की कटोरी या फिर सिलिकॉन मोल्ड में भी बनाएंगे तब भी ये आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। गुड़ आटा और देसी घी से बना होने के कारण ये बहुत ही हेल्दी भी है। जैसे मार्केट के सोहन हलवे का टेस्ट होता है बिल्कुल वैसे ही बना है और टेस्ट में भी बिल्कुल वैसे ही है। पता ही नहीं चल रहा है इसे गेहूं के आटे और गुड़ से बनाया गया है। घर में रखे सामान से इस हेल्दी स्वीट को बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। बाय बाय।